तो आज हम बना रहे हैं इसके ऊपर एक बिलिंग ऐप। तो उसके लिए हमने एक न्यू प्रोजेक्ट ले लिया है जिसका नाम रखा है App04, और यहाँ पर रख के हमने इसको बड़ा कर लिया है। अब यहाँ पे इस फॉर्म पे क्लिक करके हम सबसे पहले यहाँ जा रहे हैं। इस फॉर्म का नाम रख रहे हैं फॉर्म डिस्प्ले, ये इसका नाम रख दिया हमने। और इसके कैप्शन पे लिख रहे हैं हम जाके टेक्स्ट के प्रॉपर्टी के ऊपर, यानी कि बिलिंग ऐप, बिलिंग एप्लीकेशन, ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब उसके बाद क्लिक करके कंट्रोल एस करके फाइल में जाके सेव ऑल कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे तीन चीज़ें बना रहे हैं, एक बना रहा हूँ मैं कमांड बटन, दूसरा बना रहा हूँ लेबल, और तीसरा बना रहा हूँ मैं यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। तो ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ आ गया, लेबल यहाँ आ गया, बटन यहाँ आ गया, ठीक है। अब तीनों को सिलेक्ट करके हमने यहाँ पर इनका फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी जो है सेम रखनी है। तो मैं यहाँ से जाके फॉन्ट इनका रख रहा हूँ यहाँ से जाके सपोज टू बी 16 पे, और ओके कर रहा हूँ। सबका फॉन्ट 16 पर हो गया क्योंकि ये कॉमन प्रॉपर्टी है, सबकी एक साथ चेंज की जा सकती है। बटन का साइज थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने यहाँ पे। अब ये लेबल और टेक्स्ट बॉक्स दो रह गए। इस लेबल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल सी कॉपी कंट्रोल वी, ये मैंने इसके टाइटल के लिए लेबल ले लिया। और यहाँ पे क्या लिखना है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये मैंने यहाँ लगा लिया। उसके बाद कंट्रोल वी तीसरा मैंने यहाँ लगा लिया, तो यहाँ पे सेट हो गया। इसको यहाँ सेट कर रहा हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये इसके साथ सामने सेट हो गया, ठीक है। और कंट्रोल वी फिर ये इसके सामने सेट हो गया। उसके बाद सेलेक्ट करके यहाँ से क्लिक किया, यहाँ से इसको आगे कर दिया, और यहाँ पे इसको मैंने लेफ्ट अलाइन कर दिया, और इसको यहाँ से क्लिक करके मैंने लेफ्ट अलाइन कर दिया, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे भी इसको हमने राइट या लेफ्ट अलाइन कर दिया, तो ये इस तरह से सेट हो गया। अब इसी को यहाँ से मैंने क्या किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल वी, और फिर मैंने यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे रखा, और यहाँ पे रख के इसको यहाँ पे रख के इसको बल्कि इसके साथ ही रख लिया, और यहाँ पे इसको सेट कर दिया यहाँ पे। अब ये सब सेट करने के बाद मैं इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी सेट करूँगा, कौन सी, ऑटो रिसाइज, इसको कर दूँगा फॉल्स, जिसके बाद ये खींच के यहाँ से जितना बड़ा चाहूँ मैं इसको कर सकता हूँ। और इसके बाद इसका जो अंदर वाला हिस्सा है, जो बॉर्डर स्टाइल है इसका, यहाँ से इसको मैं करूँगा फिक्स 3D, और इसके बाद इसका थोड़ा सा कलर चेंज करके, थोड़ा सा चेंज करके कलर इस तरह से करके, और इसका जो अलाइनमेंट वाला हिस्सा है टेक्स्ट अलाइनमेंट, उस पर जाके मैं क्लिक करूँगा और इसको कर दूँगा सेंटर। तो ये इस तरह से मुझे नज़र आने लग जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे इसको इस तरह सेट कर लेते हैं। यहाँ अब हम जाके क्या करने वाले हैं, सबसे पहले अब ये इनके हम लेवल चेंज करेंगे। इस बटन की मैं एक और कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कंट्रोल सी कंट्रोल वी कॉपी कर लिया, और यहाँ पे ले जाके इसको सेट कर दिया, और इसके साथ मैंने रख दिया, पेस्ट कर दिया। अब सबके हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी रखेंगे हम क्या क्या रखेंगे, स्मार्ट ब्लिंक ऐप, ठीक है, स्मार्ट ब्लिंक ऐप ये रख दिए, और उसके बाद इसको थोड़ा सेंटर में कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करके इसका जो नाम रखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट नेम, ठीक है, और इस पर यहाँ पे लिखेंगे प्राइस, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्वांटिटी, ठीक है। और उसके बाद इसको क्लिक किया यहाँ से, और यहाँ से हम लेगा लेफ्ट साइड पर, ये इस तरह से हमने इसको सेट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए हमारे सामने सारी चीज़ आ गई, इस पर क्लिक करके हमने टोटल कर दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया टोटल, ये देखिए इस तरह से टोटल भी आ गया उसके ऊपर, और ये सारी चीज़ें इस तरह नज़र आ रही है। अब इसका टेक्स्ट बॉक्स खाली करना है, तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके इसको क्या कर दिया, 0000.00, ये इसके ऊपर हमने शो कर दिया। अब इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे जाके, सम, और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे हम जाके, क्लियर, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने इसका एक टेक्स प्रॉपर्टी को सेट कर दिया, सेव ऑल कर देंगे यहाँ से। अब हम आते हैं दूसरे इसके ऊपर, अब हम इनके नाम रखेंगे। तो देखिए नाम उसका रखें जिसको आगे आपने कैलकुलेशन में यूज़ करना है। तो देखिए हमें इसको यूज़ करना है, 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 इनको यूज़ करना है, ये जस्ट फॉर डिस्प्ले, तो इनके नाम रखने की ज़रूरत नहीं, जो नाम है उनके वही रहने दें। तो पहले इसका नाम रखते हैं, इसका नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 1, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। टेक्स्ट बॉक्स प्रोडक्ट रख देते हैं इसका नाम, टेक्स्ट बॉक्स प्रोडक्ट, ठीक है। और इसका नाम रख देते हैं टेक्स्ट बॉक्स प्राइस, और इसका नाम रख देते हैं टेक्स्ट बॉक्स क्वांटिटी, ठीक है, और इसका नाम रख लेते हैं लेवल टोटल, ठीक है, और इसका नाम रख लेते हैं बटन सम, और इसका रखते हैं बटन क्लियर, ठीक है। ये देखिए इसका एप्लीकेशन डिजाइन का नाम भी हमने रख लिया। नाम रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि नाम अगर आप नहीं रखेंगे तो आपको बाद में समझने में मुश्किल होगी। अब हम प्रोग्रामिंग करेंगे इस बटन के ऊपर, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको जूम कर लेंगे। तो देखिए बटन सम अंडरस्कोर क्लिक इवेंट है इसका, और जो कोड लिखेंगे इसके दरमियान में रखेंगे ताकि जब इस पर क्लिक हो तो वो परफॉर्म हो। एंटर करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करना सीखेंगे। तो जैसे हमने सीखा था पहले PHP में वेरिएबल डिक्लेयर करना, उससे पहले हमने सीखा था जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करना, तो अब इसमें कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। इसमें वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए लिखेंगे डिम, और फिर एक वेरिएबल का नाम, कोई भी नाम रख लें, स्टार्ट फ्रॉम लेटर विदाउट स्पेस, तो हम एक रख लेते हैं प्रोडक्ट के नाम से वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। और
प्रोडक्ट के नाम से नहीं बल्कि हमें तो प्राइस के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं। फिर एज उसकी टाइप क्या रखनी है, इंटीजर, डिम क्यू एन टी वाई एज इंटीजर, डिम टी ओ टी एल टोटल एज इंटीजर, तीनों जो है हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दी और तीनों की टाइप क्या है, इंटीजर। अब वैल्यू हमें लेनी है टेक्स्ट बॉक्सेस से, तो कैसे लेंगे जी, डिम कमांड है ये ब्लू में जो भी है सब कमांड है, ये वेरिएबल के नाम है हमारे, सही। अब हमें क्वांटिटी से वैल्यू पास करनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्राइस, प्राइस असाइनमेंट, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स, और टेक्स्ट बॉक्स में हमने जाके लिया यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स और प्राइस डॉट टेक्स्ट, ठीक है। और क्यू एन टी वाई वेरिएबल में वैल्यू लेनी है टेक्स्ट बॉक्स क्यू एन टी वाई डॉट टेक्स्ट, इससे एक वैल्यू लेनी है, तो यहाँ पे इस तरह से आ गया। अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना है, टी ओ टी एल टोटल असाइनमेंट प्राइस इंटू क्यू एन टी वाई, और ये देखें इसके अंदर इसका टोटल आ जाएगा, कौन सा वेरिएबल में, टोटल वाले वेरिएबल में। देखिए इस टेक्स्ट बॉक्स से डेटा जाएगा प्राइस में, इस टेक्स्ट बॉक्स से डेटा जाएगा क्यू एन टी वाई वेरिएबल में, और इन दोनों वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया और तीसरा वेरिएबल में हमने क्या ले लिया, उसका आंसर ले लिया। अब इसका आउटपुट कैसे बनाएंगे, तो देखें उसके लिए हमने बना रखा लेबल, और यहाँ पे लिखेंगे लेबल टोटल डॉट टेक्स्ट, और उस पर कौन सी वैल्यू शो कर देंगे, टी ओ टी एल टोटल की। ये लीजिए आपका कोड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से जाइए इसको रन कीजिए, और यहाँ पे एक प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं सपोज टू बी कंप्यूटर, और यहाँ पे उसका प्राइस है 6,500 रुपये, 12 पीस है, और ये क्या सम, तो ये देखिए इसका टोटल आ गया, ठीक है। अब हम करेंगे इसको क्लियर, कैसे क्लियर करेंगे, तो क्लियर करने के लिए देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जाके डबल क्लिक करते हैं, और ये क्लियर का आपका प्रोसीजर खुल गया। अब तीनों टेक्स्ट बॉक्सेस को और लेबल को आपने क्या करना है, क्लियर। तो चलो टेक्स्ट बॉक्स को पहले क्लियर कर लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स प्राइस डॉट टैक्स इज इक्वल टू असाइनमेंट विद क्लियर टेक्स्ट बॉक्स क्यू एन टी वाई डॉट टैक्स इक्वल टू क्लियर टेक्स्ट बॉक्स प्रोडक्ट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू क्लियर, ठीक है दोनों हो गए। अब ले गया लेबल, लेबल टोटल डॉट टेक्स्ट सही है, अब चेक कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक किया और रन पर, और यहाँ से रन किया हमने स्मार्ट एप्लीकेशन को, यहाँ पे जाके लिखा प्रोडक्ट एलसीडी, और उसकी प्राइस रख दी हमने 4,000 रुपये, और 4,012 पीस है, तो यहाँ पे किया सम, तो ये इसका टोटल आ गया। जैसे ही क्लिक किया क्लियर के ऊपर, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। अब जब क्लियर हो गया, तो ये सारी एप्लीकेशन हमारी यहाँ पे क्लियर हो गया हमें नजर आ रही है, यहाँ से हम करेंगे इसको स्टॉप। अब आते हैं एक चीज के ऊपर, जैसे हमारी एप्लीकेशन चल रही है, तो एप्लीकेशन चलने के दौरान फॉर्म को हम ऐसे रीसाइज भी तो कर सकते हैं, तो इससे तुम्हारी एप्लीकेशन खराब हो जाएगी, तो हम इसको कैसे फिक्स करेंगे, तो यहाँ से स्टॉप करेंगे एप्लीकेशन को, यहाँ से क्लिक करेंगे फॉर्म के ऊपर, और फॉर्म की एक प्रॉपर्टी होगी ऑटो रिसाइज, कौन सी होगी, देखिए फॉर्म पे क्लिक किया है और फॉर्म की प्रॉपर्टी कौन सी है, ऑटो रिसाइज, ये क्या हुई है फॉल्स, इसको क्या कर देंगे ट्रू, और इसको यहाँ पे करते हैं, तो अब देखिए आप आपके फॉर्म को कोई भी यहाँ से हो तो रहा है, लेकिन वहां यानी जहां तक लिखा है ना वहीं तक ही हो रहा है, उसके आगे नहीं हो पा रहा, ठीक है। अच्छा, इस पे एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जिसमें इसमें ऑटो साइड ग्रो ओनली, तो यहाँ पे इसको हम कर देंगे ग्रो एंड श्रिंक, तो फिर दोनों साइड पे होगा, ग्रो भी करेगा श्रिंक भी करेगा। कैजुअल कैंसिल बटन डबल कर्सर, एक सेकंड, अच्छा चले, इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है स्टार्ट पोजीशन, तो स्टार्ट पोजीशन में कहां पे आपकी एप्लीकेशन लॉन्च हो करते हैं, सेंटर ऑफ द स्क्रीन, तो सेंटर ऑफ स्क्रीन पर रख के जैसे इसको रन करेंगे, तो अब आपका बिल्कुल एप्लीकेशन स्क्रीन के सेंटर में रन होगा, ठीक है।